देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कल अमरावती में रैलियां करेंगे अमित शाह और उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। सत्ता हासिल करने और सत्ता बचाने के लिए सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक प्रचार में तेजी लाने के लिए पूरे दमखम के साथ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे विदर्भ में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शिवसेना के 26 पार्षदों और 300 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शिवसेना के 26 पार्षदों और करीब 300 कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इन्होंने अपना इस्तीफा देने के पीछे की वजह बताई है। पार्टी के इन लोगों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा जिस तरीके से किया गया है उससे वह खुश नहीं है। उदय नारायण जी के लिए पंतप्रधान मोदी की पहली सभा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार करने वाले हैं। मोदी महाराष्ट्र में 9 सभाओं का आयोजन करेंगे। इस दरमियान सभा आखिरी टप्पे में होगी। मोदी जी अपनी सभा 2 से 3 दिन तक लेंगे। खास बात यह है कि मोदी जी ने अपनी पहली सभा उदय नारायण जी भोसले इनके लिए रखी गई है, इसीलिए राज्य की भाजपा में भी जोरदार हवा है, ऐसी चर्चा शुरू है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।